अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ नुमाना लोधी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। माय टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। एनालिसिस मींस ब्रेकिंग डाउन और डिवाइडिंग इनटू स्मॉल कंपोनेंट्स पार्ट्स। एंड व्हाट इज अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ सेट और ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense. I repeat the definition of a sentence. A sentence is a set or group of words which makes complete sense. एक sentence या जुमला एक set होता है या अल्फाज का एक group होता है जो कि एक मुकम्मल तौर पर जो है वो meaning को clear करता है। तो analysis of simple sentences, इट मीन्स के वी हैव टू ब्रेक डाउन अ सेंटेंस इंटू कॉम्पोनेंट्स इंटू इट्स पार्ट्स। इन द एनालिसिस ऑफ अ सेंटेंस इट इज़ टू डिवाइड इट इंटू टू मेन पार्ट्स, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। यस, नाउ वी हैव टू डिवाइड इट इंटू टू पार्ट्स। It's the very beginning of the analysis or it's very simple. Start अभी बहुत इसका हम easy तरीके से करेंगे और सबसे पहले जो है वो मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल basic जो है वो एक sentence का analysis करना, उसको मुख्तलिफ small components में parts में divide करने के बारे में जो है वो आपको इसकी examples देती हूँ। तो अगर आप इसको और से देखें इस पिक्चर को, तो वहाँ पे आपको एक टेबल नज़र आएगा और उसमें देयर आर सम सेंटेंसेस इन इट। आई रीड देम। डॉग्स बार्क, द सन गिव्स लाइट, द चाइल्ड इज डेड, द बॉयज मेड रामा कैप्टन, My father gave me a watch. The flames spread everywhere. The flames spread in every direction. The hour to prepare lessons has arrived. And this table consists of 8 sentences. And we have to make its analysis. Dogs bark. In this sentence, dogs, it is a subject and bark is predicate. First, let me tell you the definition of the subject and the predicate. The subject denotes the person or thing about which something is said. सब्जेक्ट क्या होता है? वो जिस पे जो एक्शन करता है, वो कोई भी शख्स भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है जिसके बारे में जो है वो स्टेटमेंट दी जाती है। द प्रेडिकेट इज़ व्हाट इज़ सेड अबाउट द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है या फिर वो आइडिया होता है या स्टेटमेंट होती है जो कि उस शख्स या उस चीज़ के बारे में दी जाती है। तो सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है डॉग्स से, डॉग्स बार्क। डॉग्स, इट इज़ अ सब्जेक्ट, अ नाउन, एंड बार्क इज़ द प्रेडिकेट। यानी इसमें जो एक्शन करने वाला है या जिसके बारे में बात की जा रही है वो डॉग्स है, और जो बात उसके बारे में हो रही है और जो स्टेटमेंट आगे है वो है बार्क। व्हाट इज़ बार्क? बार्क इज़ वर्ब। अगर ग्रामेटिकली देखें तो डॉग्स ये नाउन है और बार्क जो है ये एक वर्ब है। तो सब्जेक्ट उसको कहेंगे जो एक्शन कर रहा है, और प्रेडिकेट जो है उस पार्ट को कहेंगे सेंटेंस के जिस पे के उस सब्जेक्ट के बारे में एक्शन हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस इज द सन गिव्स लाइट। इस सेंटेंस में यू कैन सी के देयर इज़
विच इज़ द सब्जेक्ट द सन. यहाँ पे जो है वो दिस इज़ द सब्जेक्ट एंड सन द सन एंड गिव्स लाइट. गिव्स लाइट इट इज़ द स्टेटमेंट विच गिव्स अस द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट. तो नाउन है और इसमें जो है वो टू वर्ड्स यूज हो गए हैं. इट इज़ अ फ्रेज द सन और ये नाउन फ्रेज है और ये इसका सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का. और जो बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट गिव्स लाइट इट इज़ द प्रेडिकेट. सेंटेंस नंबर 3 द चाइल्ड इज डेड. इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज द चाइल्ड. इट इज़ द नाउन फ्रेज एंड इज डेड. इज डेड इट इज़ द पार्ट दैट टेल्स अस अबाउट द नाउन अबाउट द सब्जेक्ट. और इज डेड इज प्रेडिकेट. द बॉयज मेड ड्रामा कैप्टन. द बॉयज दिस इज़ द नाउन फ्रेज बिकॉज इट हैज़ टू वर्ड्स टू पार्ट्स एंड मेड ड्रामा कैप्टन दिस इज द प्रेडिकेट. माई फादर गेव मी अ वॉच. माई फादर इट इज़ सब्जेक्ट एंड गेव मी अ वॉच इट इज़ द प्रेडिकेट. द फ्लेम्स स्प्रेड एवरीवेयर. द फ्लेम्स दिस इज़ द सब्जेक्ट एंड स्प्रेड एवरीवेयर दिस पार्ट इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट. द फ्लेम्स स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन. द फ्लेम्स अगेन इट इज़ द सब्जेक्ट एंड स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन इट इज़ द पार्ट दैट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट और गिव्स अस अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और द आइडिया और द स्टेटमेंट अबाउट द सब्जेक्ट. स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन इट इज़ द प्रेडिकेट. नेक्स्ट सेंटेंस इज द आर टू प्रिपेयर लेसन्स हैज़ अराइव्ड. इन दिस सेंटेंस द आर टू प्रिपेयर लेसन्स इट इज़ द सब्जेक्ट एंड हैज़ अराइव्ड इट इज़ द रेस्ट ऑफ द पार्ट हैज़ अराइव्ड इट इज़ द predicate. Now we see that the subject may consist of one word or several words. Thus in sentence 1 the subject consists of one word and for example the noun dogs. अब ये जो sentence मैंने बोले हैं आपके सामने इसमें आप देखें कि उसमें the number of words may differ. समटाइम्स ऐसा है कि सब्जेक्ट जो है वो एक वर्ड पे मुश्तमिल है और कभी वो काफ़ी ज़्यादा एक से ज़्यादा वर्ड्स पे या बहुत उससे भी ज़्यादा वर्ड्स पे शामिल है. जबकि इसी तरह प्रेडिकेट जो है उसमें समटाइम्स वन वर्ड आता है और समटाइम्स जो है देयर आर मोर देन 3 or 4 वर्ड्स. फर्स्ट सेंटेंस में डॉग्स बार्क. इसमें आप देखिए कि डॉग्स जो है दिस इज़ अ नाउन एंड दिस इज़ द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट उसको कहते हैं जिस पे कोई एक्शन होता है या जिसके बारे में स्टेटमेंट होती है या हमें जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलती है या एक्शन होता है. तो इसमें डॉग्स इट इज़ द सब्जेक्ट एंड बार्क इज इट इज़ द एक्शन एंड इट इज़ द रेस्ट ऑफ द पार्ट. इट्स अ वेरी वेरी शॉर्ट सेंटेंस. तो इसमें दोनों में एक एक वर्ड यूज़ हुआ है. इसी तरह इन द सेम वे इफ़ यू जस्ट ऑब्ज़र्व एंड थिंक अबाउट इट इन सेंटेंस 8 जो लास्ट वाला मैंने सेंटेंस बोला था उसमें द आर टू प्रिपेयर लेसन्स हैज़ अराइव्ड. इसमें जो सब्जेक्ट है इट्स अ वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट. इट कंसिस्ट ऑफ 5 वर्ड्स द आर टू प्रिपेयर लेसन्स और रेस्ट ऑफ द पार्ट हैज़ अराइव्ड जो कि हमें जो एक्शन जहाँ पे हो रहा है या वो पार्ट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है वो आप देखेंगे इट इज़ इट हैज़ जस्ट 2 वर्ड्स हैज़ एंड अराइव्ड. तो इट वी कैन कंक्लूड देन दैट द number of the words in the subject or in the predicate they may differ or the
Right. We also see that the predicate may consist of one word or several words. जी, इसी तरह predicate में अगर आप देखें तो वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है पहले, कि उसमें एक भी word हो सकता है और उसमें बहुत से words भी हो सकते हैं. Like first sentence में बाघ था और उसके बाद जो है वो अगर आप seven वाला sentence देखें, the flames spread in every direction. इसमें सब्जेक्ट द फ्लेम्स है और स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन जो है इसमें फोर वर्ड्स हैं एंड दिस इज़ दी प्रेडिकेट. तो इस तरह हमने इस वक्त एक सिंपल सेंटेंसेस लिए और उनका एनालिसिस किया है. दस इन सेंटेंस वन द प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड. यस, फर्स्ट वाले सेंटेंस की बात हो रही है, डॉग्स बार्क, इसमें प्रेडिकेट है बार्क, तो ये वन वर्ड है, द वर्ब बार्क. इन सेंटेंस फाइव द प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ फोर वर्ड्स ऑफ विच द एसेंशियल वर्ड इज़ द वर्ब गिव. अब नंबर फाइव सेंटेंस था, माय फादर गेव मी अ वॉच. माय फादर जो है इट इज़ द सब्जेक्ट एंड गेव मी अ वॉच रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अ प्रेडिकेट, जहाँ पे एक्शन हो रहा है. अब अगर ज़्यादा वर्ड्स हैं तो उसमें भी हमने ये देखना है कि उसमें जो है वो कौन सा वर्ड जो है वो इनमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, या उसके बग़ैर जो है वो सेंटेंस भी इनकम्प्लीट रहे अगर वो निकाल दें. लाइक गेव मी अ वॉच, अगर आप गेव को निकाल देते हैं तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, माई फादर मी अ वॉच. तो दिस विल नॉट बी अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ये बिल्कुल ही इनकम्प्लीट रहेगा. इसलिए अगर कुछ ज़्यादा वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं जिस पार्ट में, तो यू कैन से कि उसमें आपने ये देखना है कि विच वन इज़ दी इम्पॉर्टेंट वर्ड और एसेंशियल, जो उसके सेंटेंस को कंप्लीट करता है, जो बहुत ज़रूरी वर्ड है. तो आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो अभी मैंने आपको बताया है, सबसे पहले मैंने आपको बताई है कि व्हाट इज़ दी एनालिसिस ऑफ अ सेंटेंस, के एनालिसिस का क्या मीनिंग है, हमने किस तरह इसको करना है, पार्ट सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड करना है. उसके बाद फिर मैंने आपको डेफिनेशन बताई एक सेंटेंस की, और उसके बाद हमने नेक्स्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसकी डेफिनेशन की और उसको डिवाइड करना सीखा है. So now these are the points of today. We will do it inshallah. अभी मैं देख रही थी कि और भी आगे है, मैंने एक्सरसाइज भी कुछ आपके लिए जो है वो सेंटेंसेस सेलेक्ट किए थे कि आपने कैसे सेपरेट करना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में. बट आई थिंक इट्स एनाफ फॉर टूडे. इंशाल्लाह आई विल कम विद द एग्जाम्पल्स एंड दी अदर अदर थिंग्स. वी विल डू इट इंशाल्लाह. Allah Hafiz.